भारत में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। देश में कोविड 19 का आंकड़ा 71 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी की गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 66,732 नए मामले सामने आए हैं और 816 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 71,20,538 हो गई है। इनमें से 8,61,853 लोग फिलहाल एक्टिव हैं और 61,49,535 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,09,150 लोग इस कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। कोविड 19 से रिकवरी की दर 86.36% है, जबकि मृत्यु दर 1.53% है। राज्यों की बात करें तो 15,28,226 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रविवार को एक ही दिन में 9,94,851 सैंपल्स टेस्ट किए हैं, जिसके बाद कुल 8,78,72,093 सैंपल्स की भारत में जांच हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INS TV।